गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वचन। वचन यानी नंबर। नंबर यानी कि एक नंबर या दो नंबर, यानी कि एक या अनेक। तो वचन देखिए क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये तो हो गई वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या एक होने का बोध हो, व्यक्ति यानी कि हम जो इंसान होते हैं वो, सजीव चीजें, वस्तु यानी निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं होती, उनके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, मेज, पुस्तक, लड़का आदि। तो व्यक्ति में तो कौन कौन आ गए? गाय और लड़का, और वस्तु में मेज और पुस्तक। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, मेजें, पुस्तकें, तोपें आदि। क्या क्या हो गया? तो गाय का तो गायें हो गया बहुवचन में, मेज का मेजे हो गया, पुस्तक का पुस्तकें, तोप का तोपें। इस तरह से यहाँ अनुस्वार लग जाएगा पीछे बहुवचन बनाने के लिए। नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लड़का, लड़के। बेटा, बेटे। कौवा, कौवे। पपीता, पपीते। पुस्तक, पुस्तकें। सड़क, सड़के। गाय, गायें। आँख, आँखें। घोड़ा, घोड़े। चीता, चीते। गुब्बारा, गुब्बारे। बगीचा, बगीचे। भैंस, भैंसे। किताब, किताबे। तोप, तोपे। पलक, पलकें। आगे देखिए बच्चों, लड़की, लड़कियां। स्त्री, स्त्रियां। नदी, नदियां। टोपी, टोपियां। घड़ा, घटा, घटाएं। गुड़िया, गुड़ियाएं। नारी, नारियां। गाड़ी, गाड़ियां। साड़ी, साड़ियां। ताली, तालियां। कला, कलाएं। चिड़िया, चिड़ियां। तो ये क्या होता है बच्चों, कि एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं, तो जो बड़ी की मात्रा है वो या लगाने से पहले छोटी में परिवर्तित हो जाएगी। क्या होता है कि देखो, जैसे सारे ही इनमें मिलेंगे आपको, जो बहुवचन में जब हम इनको परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ क्या होगा कि छोटी की, बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी, उसके बाद या लगेगा, बहुवचन उसके बाद लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सब जगह होगा। देखो, नदी है तो नदियाँ, टोपी है तो टोपियाँ, गुड़िया इसमें तो सेम ही होता है, नारी, नारियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, ताली, तालियाँ, कला, कलाएँ और चिड़िया, चिड़ियाँ। चिड़िया में सिर्फ इतना फर्क होगा गुड़िया में और चिड़िया में, कि इसमें तो या और इसमें या। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन में या और बहुवचन में या। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण लिखिए। शब्द के जिस रूप से
व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता हो। देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक और आँख। अब देखिए बच्चों, बहुवचन से आप क्या समझते हैं? यहाँ तो था एक वचन, यहाँ हो गया बहुवचन। इसके दो उदाहरण लिखिए। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों वस्तुओं के एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे बहुवचन कहेंगे, जैसे यहाँ तो पुस्तक क्या थी? एक वचन। पुस्तकें बहुवचन, एक मात्रा और एक अनुस्वार लग गया इसमें। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन हो गई। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब यहाँ इनका वचन बदल जाएगा, एक वचन में है तो बहुवचन में हो जाएगा और बहुवचन में है तो एक वचन में हो जाएगा। पुस्तक पुस्तकें, नदी नदियाँ, स्त्रियाँ स्त्री, कौवा कौवे, लता लताएं लता, आँख आँखें, लड़का लड़के, घोड़ा ये घोड़े और ये घोड़ा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। लीची, अब यहाँ इनका सबका बहुवचन बनाना है तो लीची का क्या हो जाएगा? लीचियाँ। यहाँ बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ बहुवचन में चंद्रबिंदु लग जाएगा। लड़का लड़के, रानी रानियाँ, वही बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी। मेला मेले, कलम कलमें, वस्तु वस्तुएं, थाली थालियां, कहानी कहानियां, कविता कविताएं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। वहां तो हम क्या लिख रहे थे? बहुवचन। अब हम लिखेंगे एक वचन। किताबें यानी कि बहुवचन में है तो किताब, कॉपियां कॉपी, रुपये रुपया, कथाएं कथा, रोटियां रोटी, गेंदे गेंद, बल्ले बल्ला, ग्वाले ग्वाला, गोपियां गोपी। इस तरह से हमारे ये एक वचन में हो गए। अब देखिए बहुवचन बनाओ। अब हमको फिर से बहुवचन बनाना है। पहाड़ी पहाड़ियाँ, यही छोटी बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी। नदी नदियाँ, घाटी घाटियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ, कारखाना कारखाने, कपड़ा कपड़े, चमड़ा चमड़े, मौका मौके। इस तरह से ये हमारे बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं। बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी जब हम यानी कि बहुवचन लगाएंगे तब। दोबारा भी सेकंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुवचन बनाओ। खिड़की खिड़कियाँ, टहनी टहनियाँ, पत्ती पत्तियाँ, नारी नारियाँ, रानी रानियाँ, बकरी बकरियाँ। शब्द के पीछे औ जोड़कर बहुवचन बनाओ। अब देखो, सभी शब्दों के पीछे हमको ये मात्रा और ये चंद्र ये अनुस्वार लगाना है। तो देश का क्या हो जाएगा? देशों। युद्ध युद्धों, गांव गांवों, लोग लोगों, आवास आवासों, रात रातों, सैनिक सैनिकों, मित्र मित्रों।
इस तरह से बच्चों हमको यहाँ सभी शब्दों में औ जोड़ना था। औ यानी ओ और अनुस्वार लगाकर औ। तो ये सभी शब्दों में हमने पीछे एक मात्रा लगाई है और एक अनुस्वार लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुवचन शब्द छांटिए। तो देखिए चिड़िया एक वचन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ चिड़िया में सिर्फ चिड़िया और गुड़िया में सिर्फ चंद्र बिंदु लगेगा। गुड़िया में यहाँ लगा है और चिड़िया में यहाँ लगा है। ऐसे ही अब देखो कौन सा लगा फिर यहाँ को, पुस्तक, पुस्तक एक वचन हो गया, केला एक वचन हो गया, तो यहाँ चिड़िया। एक वचन का उदाहरण कौन सा है, संतजन यानी कि संतों का सारा समूह। रातें, रातें बहुवचन हो गई। गाय, गाय एक वचन हो गई। और पत्ते, पत्ते भी बहुवचन हो गया। अगर एक वचन कहते तो पत्ता होता और गाय का बिल्कुल सही है, इसलिए गाय हमारा एक वचन में आएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वचन आप इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे, अपनी तरफ से भी इसको पढ़ के देखेंगे, वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और जो बुक में इनके जो फिलअप्स दे रखे हैं उनको आप सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।